assalamu alaikum students of grade 6 how are you all i hope you all are doing well today we were going to finish the remaining part of the chapter 10 life of the holy prophet here the topic is message of islam to kings and emperor in seven age the holy prophet peace be upon him decided to invite the rulers and kings of neighboring countries to embrace islam through his messenger acha सेवन ए एच एच मतलब आफ्टर हिजरत होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम हमारे जो रसूल थे उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि मैं कुछ रूलर्स एंड किंग्स जो कि uh, पड़ोसी मुमालिकत से थे उनको बुलाएं और ताकि उनको इस्लाम की तबलीग दें द फर्स्ट वन वॉस वाह या कल भी सेंट टू एम्पर हरकुलस द रूलर ऑफ़ द रोमन एम्पायर सबसे पहले वाहिया कल भी था जो कि हरकुलस का एम्परियर था वो जो रूलर था रोमन का ही हैड द प्रॉफिट पीस अपन हिम्स लेटर रीड और उनको जो मैसेज भिजवाया गया था लेटर भिजवाया गया था उन्होंने वो रीड किया ही लेटर सेंड फॉर अबू सुफियान उन्होंने बाद में अबू सुफियान को भेजा हु एट दैट टाइम वॉज़ वन ऑफ द बिटरेस्ट एनिमीज ऑफ इस्लाम उस टाइम पे जो कि बहुत ही आ, <coughs> सबसे ज़्यादा जो कड़वा दुश्मन था हमारे रसूल वसलम का उसको भिजवाया ही वॉज इन द नेबर हुड एज द लीडर ऑफ़ द ट्रेड कारवा ऑफ द कुरैश जो कि कुरेश का एक कारवा काफिला था उसका वो लीडर था हरगुलस आस्क सम फ्राम अबू सफियान अबाउट द होली प्रॉफिट पीस पीसफॉन हिम एंड हिज रिलीजन हरगुलस ने उनसे हमारे रसूल वसलम के बारे में कुछ सवाल पूछे और उनके इस्लाम के बारे में भी ही वॉज डीपली इम्प्रेस बाई वाट अबू सफियन टोल्ड हिम वो बहुत ही इम्प्रेस हुआ जब अबू सुफिया ने उनको जो कुछ भी बताया अच्छा सा जवाब उनको दिया लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया यानी बहरहाल वो उनके करेक्टर से इंप्रेस हुए थे लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था ओके द सेकेंड वन वॉज हजरत अब्दुल्ला बिन हुफा वॉज सेंट टू चार्च परवेज द एम्पेयर ऑफ परशियन ठीक है चोसरोस इंसल्टेड द प्रॉफिट पीस वे पॉन हिम एंड लेटर इन टू पीसेस उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सल्लम का जो लेटर था जो मैसेज था वो पेपर उन्होंने फाड़ दिया द होली प्रॉफी पीस वेम सेट दैट चोरस किंगडम वुड सून भी ब्रोकन इंटू पीसिस द वे ही हैड टोन अप द लेटर हमारे ने फिर बाद में फरमाया कि इनका जो खिंडम है वो भी इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा जिस तरह उसने मेरा लेटर फाड़ा है दिस इज एक्जैक्टली वॉट हैपन और इसी तरह हुआ उनका जो सारा खिंडम था सल्तनत थी वो सब टूट चुका था बिखर गया था विदिन विदिन अ फ्यू डेज चोरस वॉज मर्डर बाय हे सन हु एसेंगे डर थ्रोन कुछ दिनों के बाद चोरस अपने ही बेटों के हाथों मार दिया गया था बट आफ्टर सम टाइम ही खिल्ड हिमसेल्फ बाई टेकिंग पॉइजन और बाद में उनके बेटे ने ख़ुद ही जहर खा खा के उन खुद को मार दिया था इन द टाइम ऑफ हज़रत उमर पर्शियन वॉज कंकोड बाय द मुस्लिम और उस टाइम हज़रत हज़रतमर रजील टाइम पे पर्शियन पर मुसलमानों ने आ, मतलब कब्जा कर लिया फ़तेह कर लिया था अच्छा थर्ड हमारे पास था उम्र बिन उमै उम्य, उमैया वॉसन टो नेगस उनको नेगस भिजवाया गया था द एम्प्रिया ऑफ अबासिनिया जो एम्बासिनिया का एम्प्रिया था बादशाह था द एम्पेरियर टच द लेटर ऑफ द तो प्रॉफिट पीस वे हिम टू हिस्स आइज उन्होंने उनके खत को अपने आंखों से लगाया ही केम डाउन फ्राम थ्रोन एंड सेट ऑन द ग्राउंड वो अपने जगह से मतलब जो बादशाह अपने कुर्सीियों पर बैठते हैं वहाँ से वो उठ के ज़मीन को आया ही एक्सेप्ट इस्लाम उन्होंने इस्लाम कबूल कियाट सम प्रेजेंट फॉर द होली प्रॉफिट पी सौन है और कुछ तोहफ़े भी भिजवाए हमारे रसूल सल्लम को ही डाइड वॉर द होली प्रॉफिट पी सए पौन है वो स्टिल अ लाइफ वो जब उनकी वफात मतलब जब वो वफात पा गए तो हमारे रसूल जिंदा थे अच्छा फिर द फोर्थ वन एज़ हातिफ़ वॉज सेंट टू सायरस हातिब को सेंट एज असेंजर सायरस भिजवाया गया था द रूलर ऑफ़ एजब अच्छा ही treated द प्रॉफिट पीस be upon him मैसेंजर विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड सेंड अ पोलाइट रिप्लाई उन्होंने बहुत इज़्ज़त की उनकी और अच्छा सा जवाब भी दिया ही ऑल्सो सेंड सम्रेजेंट विच इंक्लूड हज़र मारिया होम द प्रोफिट पीस वे हिम लेटर मेरिड एंड हॉर्स नेम दुलदुल उन्होंने हज़रत मारिया को भी भिजवाया और बाद में उन्होंने रसूल वल्लम से शादी भी कर ली और एक घोड़ा भिजवाया था जिसका नाम दुलदुल था अच्छा फिर हमारे पास फिफ्थ वन है हज़रत आमिर बिन आस वॉज सेंट टू तो द किंग्स ऑफ उमान एंड बहरीन उनको ओमान एंड बहरीन तक भिजवाया गया था दे टू एक्सेप्टेड द ट्रूथ ऑफ़ द प्रॉफ़िट एंड बी के एम उन्होंने भी रसुलसम की सच्चाई को कबूल किया और मुसलमान हो गए जी फिर हमारे पास टॉपिक है खैबर एक्सपीडिशन खैबर मतलब एक्सपीडिशन मतलब जो ख़ास किसी मकसद के लिए सफ़र किया हो अच्छा, आफ्टर द बैटल ऑफ़ खंदक द वेरियस ट्राइब्स ऑफ द जूस लिविंग इन मदीना वर एक्सपेल फ्राम द सिटी बाई द होली प्रॉफिट बीस पॉन है अच्छा बैटल ऑफ खंदक के बाद जंग खंदक के बाद कहीं आ, जो कौम थे ट्राइब्स थे ज्यूस के वो जो मदीना में रहते थे तो उनको हमारे रसूल ने वहाँ से निकाल दिया था फॉर देयर ट्र एक्ट्स एंड मिस कंडक्ट उनकी आ, मकार आमाल और या काम के लिए या बदअमली के लिए सिंस देन दे हैड बिन लिविंग एट खैबर उसके बाद वो खैबर में रहने लगे ये एक गाँव था आप कह सकते हैं दिस टाउन हैड बिकम देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड फ्राम वेयर देयर ट्राई टू हार्म ये एक ऐसा घड़ा मतलब खोड हो गया उनके लिए जहाँ से वो मुसलमानों को नुकसान दे सकते थे एज वेल एज इंस्टिगेट द कुरैश एंड द बिडीजियस अगेंस्ट दैम और कुरैश को भड़का भड़काना का काम भी वहीं से करते थे और जो बद्दू थे वहाँ पे जो गांव में रहते थे उनको भी रसूल के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया था इन सेवन ए एच आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया सेवन ए एच में <coughs> सॉरी ट्री ऑफ हदेबिया के बाद वन द ज्यूज़ हर्ड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ट्री दे दुक इट एज अ साइन ऑफ वीकनेस ऑन द पार्ट ऑफ द मुस्लिम्स जब उनको ट्री ऑफ़ उदेबिया के वो पॉइंट्स उनको पता चला तो उनको लगा कि अब मुसलमान जो हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे एंड बिकम टू मे प्रिपरेशन फ़ॉर अटैकिंग मदीना तो उन्होंने फिर उसके बाद मदीना पे हमला करने के लिए ख़ुद की तैयारियाँ शुरू कर दी द होली प्रॉफी पीस सू पॉन दिय फोट डिसाइडेड टू मार्च अगेंस्ट दैम विद सिक्सटी हंड्रेड मैन हमारे रसूल वसलम ने फैसला किया कि उनके अगेंस्ट वो लोगों को तैयार कर सके तो उन्होंने 1600 लोगों को तैयार किया सींग द वेल ऑर्गेनाइज मुस्लिम आर्मी द जू शट दैम सेल्फ अब्द इन देयर सेवन वेल गार्डेड फोर्ट्रेस जब आ, उन्होंने मुसलमानों को देखा कि वो अच्छी आर्मी बन के आ रहे हैं तो जूस ने ख़ुद को बंद कर दिया कहाँ पर जहाँ पे उन्होंने हसारदार जगह बनाए हुए थे वहाँ पे उन्होंने बंद किया और वो कितने थे वो सेवन थे फ्राम देयर दे थ्रू स्टोन्स वहाँ से वो पत्थर भी फेंक रहे थे दे देशावर एरोज ऑन द मुस्लिम आर्मी और वहाँ से उन्होंने तीर की बारिशें भी मुसलमान के आर्मी पे शुरू कर दी हैं आफ्टर अ सेज ऑफ ट्वेंटी डेज जब ट्वेंटी डेज़ का उन्होंने किया वहां पर मुस्लिम एंड कॉन्टेस्टेस्ट वॉज ऑल्सो मुसलमानों ने उनके सारे फोर्ट्स पर कब्जा कर लिया था और सबसे स्ट्रॉगेस्ट uh, जो ताकतवर फोर्ट था उनका uh, हिसाबदार जगह जो था वह अलकमूस था उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था और उनको गिरफ्तार कर दिया था तो होली प्रॉफिप द जूस एंड ऑल्सो रिटर्न द लैंड एंड द प्रॉपर्टीज़ विल फुल लिबर्टी टू प्रैक्टिस द रिलीज ऑन पेमेंट ऑफ़ फिक्स लैंड टैक्स इस तरह हमारे रसूल सल्लम ने जूस को वापस अपने ज़मीनों पे भिजवा दिए उनके प्रॉपर्टीज के साथ और उनसे कहा कि आप इस्लाम की तबलीग दें और ख़ुद भी इस्लाम ले आए और उनको वहाँ पर रहने की जगह दी एक ख़ास टैक्स पे ताकि वो टैक्स देंगे तो वहाँ पर रह सकेंगे so i hope you understand all the topic of this chapter so uh, now please uh, like my video and subscribe my channel thank you